और समझ नहीं आता। अब मैं तो ये भी कह रही हूँ कि क्या पता मैं रॉन्ग हूँ, तो राइट भी हो सकती हूँ या रॉन्ग भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे जो लगा मैंने तो वही कहा, बस ना इन मसलों में हमें नहीं उलझना चाहिए। जिसको देखो रो रहा है खान साहब के लिए, हाँ वो बच्चों की वीडियोस आ रही है रो रहे हैं कर रहे हैं, अरे अपने अपने मसलों पे, अपने अपने मसलों पे ध्यान दो, छोड़ो सियासत को, खान साहब को, जरदारी को, किसी को भी छोड़ दो, किसी को सपोर्ट वपोर्ट नहीं करने की ज़रूरत है। जिसकी वोटिंग हो रही है, जिसे जीतना होगा ना आएगा तो वही, लेकिन फिलहाल तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जो इस बार वोटिंग होगी ना, तो मुझे लग रहा है इस बार अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल मैंने देखे मोबाइल के रेट, तो कल हम मोबाइल मार्केट भी गए थे और फ़ोन भी देखे, मगर मुझे ना फ़ोन कुछ समझ में नहीं आया। तो कल बस जाना ही था कहीं से, तो बाद में पता चला कि खान साहब को गोली लग गई, खान साहब पे फायरिंग हुई है और क्या कहते हैं, तो इसी वजह से सारे रास्ते वगैरह ब्लॉक है, ये वो रास्ते बंद है। तो ये जब कुछ भी बंद होता है, कुछ हड़ताल होती है, कुछ भी होता है, तो हमारे यहाँ के, बल्कि हमारे यहाँ के नहीं, तमाम तकरीबन कराची के लोग
कहते हैं यार देखने तो जाए कहाँ से बंद है कैसे हालात खराब है। तो हम भी जाहिर सी बात है कराची में रहते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि चलो हम भी देख के आते, रास्ते बंद है कहाँ के हालात खराब है, चलो देख के आते। बस फिर इमरान खान के चक्कर चक्कर में मार्केट गए नहीं, फिर थोड़ा सा लेट गए, लेकिन कोई रास्ता वगैरह बंद नहीं था, सारे रास्ते खुले थे, सारी मार्केटें बंद, सारी मार्केटें ओपन थी। मोबाइल देखा मगर बहुत लेट गए थे, तो एक दो मार्केट मोबाइल के ओपन थी, और उसके बाद आज सुबह मेरा मोबाइल बन के भी आ गया है। तो फिलहाल तो बन गया मोबाइल, जो मोबाइल का साइड बटन था तो वो चेंज हुआ, मोबाइल बन गया है। अब देखते हैं कि मोबाइल कब तक चलता है, क्योंकि मेरा मेरे मोबाइल को तकरीबन ना 3 साल हो चुके हैं, 3 साल या दो, 3 साल हुए। 3 साल पहले हस्बैंड ने मेरे मुझे गिफ्ट किया था, तो खैर 3 साल के बाद, 3 साल के बाद तो पैसे भी वसूल हो जाते। उस टाइम शायद 19, 20 या 24 तक का मैंने लिया था, लेकिन कल वाली बात जो कल का किस्सा अचानक सुना, खान साहब को गोली लग गई, तो पहले तो लगा ये न्यूज़ फेक है, लेकिन उसके बाद रियल वीडियो आने लगी, सारी वीडियो आने लगी कि वाकई उनका जलसा था, उसमें फायरिंग हुई है। अब ना जाने कोई कह रहा है कि ये सब फेक न्यूज़ है, कह रहा है कि नहीं यार ये सच है, तो कोई कह रहा है कि उसी ने करवाया। लेकिन मैं अपने दिल की बात बताऊं तो मुझे भी ना ये फेक लग रही है। पता है मुझे फेक कैसे लग रही है, कल तक तो जो मैं भी इसे सच समझ रही थी, लेकिन जब आज टिकटॉक पे वीडियो देखी तो पहले तो कल तो उन्होंने वीडियो में दिखाया था, बाकायदा से कैमरे में दिखाया था कि बंदे पकड़े गए कैमरे में दिखाया था, बंदे पकड़े गए। उसके बाद बंदों की फुटेज भी थी कि बंदे ना पकड़े गए। लेकिन फिर जब आज सुबह मैंने टिकटॉक लगाया देखा तो जो बंदा पकड़ा था ना तो बस इतनी बुरी गंदी हालत में था ना, नशा ही लग रहा था, नफ्सियाती मरीज लग रहा था। तो ये वो बंदा नहीं था, जो बंदा कल सीसीटीवी फुटेज में दिखाया वो तो माशाल्लाह से टिकटॉक था, साफ सुथरा वो बंदा था। तो एक दिन में बंदा यार कैसे हो जाता, पता नहीं क्या से क्या लोग करते रहते सियासत के लिए। तो हम तो बहुत बड़े फैन थे इमरान खान साहब के, जब वो सियासत में नहीं थे फुल उसके सपोर्टर रहते हैं, आज भी उसे लाइक करते हैं हम लोग। लेकिन अब ना मेरा क्या ख्याल है, जैसे मेरा ये ख्याल है कि ये जो मुल्क है ना, मुल्क कभी भी सुधरने वाला नहीं है, चाहे खान साहब आ जाए, चाहे जरदारी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। लेकिन जो खान साहब जैसे बनने हैं ना, अब उनको समझ जाना चाहिए कि क्योंकि ना उनके हाथ में तो देखो आ ही नहीं रहा, ठीक है ना, उनके हाथ में आया फिर भी उन्हें रातों रात उठाया गया, उन्हें रातों रात हटाया गया, ठीक है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सब ना एकता में है जिसमें ये अकेले है। लेकिन कुछ नहीं होना तो फिर बंदे को छोड़ देना चाहिए। तो अब आप लोग मुझे बताइए कितनी सच्चाई है इस बात में, ताकि पता तो चले। अब कल तक तो मुझे भी सच लग रहा था, आज जैसे ही मैंने देखा टिकटॉक वगैरह ये वो, तो एकदम से बंदा चेंज है, क्या से क्या कर लेते हैं लोग, कितना झूठ भरा हुआ है ना। तो कभी कभी तो खुद से डर भी लगता है कि यार हम लोग इतने गुनहगार बंदे, हम कितना गुनाह कर रहे हैं। तो फिर कभी कभार किसी का गुनाह देख लेते हैं तो लोग क्या से क्या करते रहते हैं ना। तो अब बंदा एकदम से कैसे चेंज हो जाता है, बंदे की फुटेज पर बस किसी को भी पकड़ के दिखा देते हैं, ये मुजरिम है, कुछ भी इनका जो भी दिल करता है कर लेते हैं। तो बस खान साहब, अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, खान साहब पहले कंटेनर में थे, फिर फायरिंग हुई, फिर बाहर कैसे गिरे, फिर क्या हुआ ये वो, अब समझ नहीं आता। अब मैं तो ये भी कह रही हूँ कि क्या पता मैं रॉन्ग हूँ, तो राइट भी हो सकती हूँ या रॉन्ग भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे जो लगा मैंने तो वही कहा। बस ना इन मसलों में हमें नहीं उलझना चाहिए, जिसको देखो रो रहा है खान साहब के लिए, हाँ वो बच्चों की वीडियो आ रही है रो रहे हैं कर रहे हैं, अरे अपने अपने मसलों पे ध्यान दो, छोड़ो सियासत को, खान साहब को, जरदारी को, किसी को भी छोड़ दो, किसी को सपोर्ट वपोर्ट नहीं करने की ज़रूरत है। जिसकी वोटिंग हो रही है, जिसे जीतना होगा ना आएगा तो वही, लेकिन फिलहाल तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जो इस बार वोटिंग होगी ना तो मुझे लग रहा है इस बार जरदारी बिलावल भुट्टो आएगा, तो वही आके रहेगा, देख लेना। और जो हम जहाँ पे रहते हैं ना जिस एरिया में, सबको पता है, मैं वैसे बताऊंगी ना एरिया का नाम, जो कमेंट्स में वैसे मेरे जो लोग रहते हैं ना वो बता देते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं ना तो पीपल्स पार्टी का घर है, और वहाँ के जो लोग हैं फुल पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब बताएं जी मैं कहाँ रहती हूँ, तो वहाँ के लोग फुल पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और मैं जब भी सैलून जाती हूँ ना मैं अपने एरिया का नाम बताती हूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ, तो सब लोग इतना डरते हैं कि आप इस एरिया में रहती हो, यहाँ तुम्हें नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये एरिया पहले ऐसा था, खतरनाक था, डरावना था, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है। वैसे भी कैसा भी हो ना, जो जहाँ का बंदा होता है ना उसको वहीं पे अच्छा लगता है, तो हमें भी यहीं पे अच्छा लगता है, मुझे भी। और नहीं बाहर से आने वाले काफ़ी इतने रिलेटिव है जो कि ना मेरे एरिया के नाम से मेरे घर पे, जो कभी आए भी नहीं है इतने सालों में, और ना ही आना पसंद करते हैं, कहते हैं नहीं भाई हमें तो डर। बाकी बात ये कि बस मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला खान साहब को ना
कहते हैं लंबी जिंदगी दे और तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला, उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे जो कुछ भी हुआ। बहरहाल हमें तो सबके लिए दुआ करनी चाहिए, और शायद जो मुझे देख रहे हैं उनमें से कोई अगर जलसे में मौजूद था तो मुझे बताए प्लीज, मुझे समझाए कि हुआ क्या था और क्या नहीं हुआ था, और खान साहब को अगर वाकई लगा है, उनकी टांग में तो लगा है, तो अब उनकी तबीयत कैसी है और कैसी नहीं है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।